क्योंकि वह लड़की इस समय आनंद की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिस वजह से वह लड़की कंट्रोल के बाहर हो जाती है और फिर वहां से बाथरूम में जाकर अपनी उंगलियों से अपने आप को शांत करने लगती है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ऑफिस को दिखाते हुए, जिसमें एम्प्लाइज अपने अपने काम में बिजी होते हैं। उनमें से कुछ एम्प्लाइज अपने नोटिस लिख रहे होते हैं तो कुछ एम्प्लाइज अपने लैपटॉप पर कार्य कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक जैक नाम का लड़का अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी लैपटॉप पर काम करते करते अचानक से उसका ध्यान पास की दीवार पर जाता है, जहां पर देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह अपनी मुंडी को घुमा घुमा कर कभी लैपटॉप कभी दीवार की ओर देखता रहता है। दरअसल होता यह है कि उसके लैपटॉप के माउस का एरो लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर निकलकर दीवार पर मूव कर रहा होता है। अब यह देखकर जैक को विश्वास नहीं होता है। तभी यह देखकर वह काफी एक्साइटेड हो जाता है। वह अपने चारों तरफ देखता है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। अब यह सोचता है कि क्या लैपटॉप के माउस का एरो बाहर की लाइफ में भी कोई अपना इफेक्ट डाल सकता है। वह लैपटॉप के टच बैंड को टच करते हुए एरो पी को दीवार से नीचे लाता है, फिर अपने टेबल पर पड़े कप के ऊपर एरो को लेकर आता है और फिर वह लैपटॉप के टच पैड में बने बटन पर क्लिक करता है। तभी माउस के इफेक्ट से वह कप गिर जाता है और चाय टेबल पर फैल जाती है। इस वजह से वहां पर बैठे सभी लोग उसे देखने लगते हैं। जैक उनसे माफी मांगता है और टेबल को साफ करने की एक्टिंग करने लगता है। अब इस कप के सफल एक्सपेरिमेंट के बाद वह आदमी खुश हो जाता है। जैक फिर चारों तरफ देखता है और लैपटॉप के साथ और एक्सपेरिमेंट करने के लिए और चीजों को ढूंढने लगता है और वह तभी टेबल पर पड़े एक लेटर को देखा है और फिर एरो को उस लेटर की तरफ मूव करता है। जैसे ही वह एरो को लेटर के ऊपर मूव करता है, वैसे ही एरो कर्सर में बदल जाता है और यह लेटर जैक के ऑफिस में लेट आने की वजह से उसकी जो सैलरी में से पैसे कटेंगे उसके बारे में होता है। अब जैक उस लेटर में लिखे शब्द को सिलेक्ट करता है और उस लाइन को डिलीट कर देता है और उस पर लिख देता है, उसका बॉस एक नंबर का हरामी है और अपनी सैलरी ज्यादा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह लेटर को अपने हाथ में लेकर हंसने लगता है। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद वह लैपटॉप को अपने हाथ में लेकर वहां से जाने लगता है। तभी बॉस के ऑफिस में एक सुंदर कन्या दिखाई देती। जैक मजे लेने के लिए उसके कमरे के सामने ही कुर्सी में बैठ जाता है। वह अपने मैजिक लैपटॉप पर काम करने का नाटक करने लगता है और चुपके से वह उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और धीरे धीरे वह अपने लैपटॉप के एरो को स्क्रीन से बाहर निकाल कर लड़की के कमरे के अंदर उसके टेबल पर ले जाता है। और लड़की जब पेपर देखने के लिए मुनती है, तब जैक की नजर उसकी स्कर्ट पर पड़ती है। अब साला ठरकी जैक उस लड़की की ड्रेस के अंदर एरो घुसेड़ देता है और फिर लैपटॉप से इंटरपेल देता है। और अब ऐसा करते ही लड़की को उसी जगह पर गुदगुदी होने लगती है और धीरे धीरे सांस लेने लगती है। जैक जैसे ही अपने माउस पैड पर अपनी उंगलियों से रगड़ने लगता है, तब वह लड़की और ज्यादा उत्तेजित हो जाती है और तब लड़की का रिएक्शन देखने वाला होता है, क्योंकि अब लड़की को पूरा मजा आने लगा था। लड़की को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि वह इस समय आनंद की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद जैक माउस पैड को और तेजी से रगड़ने लगता है, जिस वजह से वह लड़की कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उठकर बाथरूम में जाकर अपनी उंगलियों से अपने आप को शांत करती है। अब यह देखकर जैक वहां से हंसते हुए निकल जाता है और फिर वह अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि दो लड़कियों से बात कर रहा होता है। जैक उसके पास जाकर उसको अपने साथ ऊपर छत पर ले जाता है और सामने बैंक की दीवार पर लगे बोर्ड पर क्लिक कर बैंक के नाम को बदलकर बैंक के नाम को चोरों का बैंक लिख देता है। अब उसका दोस्त डेविड यह देखकर काफी दंग रह जाता है। इसके बाद वह नीचे खड़ी कार को छोटा करने के लिए कहता है। जैक अपने लैपटॉप के प्रोग्राम को खोलता है और नीचे खड़ी कार को सेलेक्ट करता है और देखते ही देखते उसे छोटी सी टॉय कार में बदल देता है। डेविड तो यह सब देखकर पागल सा हो जाता है। वो कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इस लैपटॉप से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद जैक एक बिल्डिंग की दीवार को कॉपी करता है और खिड़की पर पेस्ट करके खिड़की को बंद कर देता है। यह सब देखकर डेविड जैक से कहता है कि लैपटॉप की मदद से वह किसी भी बैंक की तिजोरी को खोल सकते हैं और इसके जरिए वो कहीं भी जा सकते हैं
और जैक को डेविड की बात सुनकर डेविड से डर लगने लगता है कि वह इस लैपटॉप को कहीं उससे छीन ना ले। तभी डेविड जैक को समझाने लगता है कि इस तरह से बैंक को लूट सकते हैं। अब यह सुनने के बाद जैक के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है, जिसका मतलब होता है जैक को डेविड का प्लान पसंद नहीं आया। तभी वहां नीचे कार का मालिक वापस आता है और इधर उधर अपनी कार को देखने लगता है, और जब वह नीचे देखता है तब वह अपनी कार को छोटा सा खिलौना देखकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ डेविड और उतावला होता जा रहा था। वह कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी हमें नहीं रोक सकता। वह कहता है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, सरकार को, पुलिस को हम अपने इशारे पर नचा सकते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। यहां पर जैक अब डेविड से और भी ज्यादा डरने लगता है, और फिर वह अपने लैपटॉप के प्रोग्राम को ओपन करके सिलेक्ट के आइकॉन पर क्लिक करता है और माउस के एरो से डेविड के शरीर को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन डेविड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब बात करते करते डेविड जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाता है, तभी जैक अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर कंट्रोल एक्स का बटन दबा देता है, जो कि चुने हुए सब्जेक्ट को काटने की कमांड होती है। अब जैसे ही जैक ऐसा करता है, डेविड के सिलेक्टेड एरिया का शरीर कट कर गायब हो जाता है और सिलेक्टेड एरिया से बचा हुआ हाथ छत से नीचे गिरता है, जो कि नीचे खड़ी एक कार के ऊपर गिरता है, और उस हाथ से काफी खून बाहर निकल रहा होता है। तभी यह देखकर वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह कटे हुए हाथ को देखकर काफी डर जाते हैं। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ही जैक छत से नीचे देखता है, नीचे खड़े सभी लोग जैक को देख लेते हैं और सब चिल्लाने लगते हैं कि यह सब जैक ने किया है, और तभी वो पुलिस को बुलाने की धमकी भी देने लगते हैं। सभी लोग जैक को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। अब लोगों की धमकी सुनकर जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है, और तभी वह अपना लैपटॉप उठाता है और तुरंत प्रोग्राम खोलता है, फिर नीचे देखते हुए भीड़ और कार के साथ सभी को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ही नीचे खड़ी भीड़ उसे पर चिल्लाती है, जैक अपने लैपटॉप से कमान दे देता है। अब कमान देते ही कार हाथ सही सभी लोग गायब हो जाते हैं। जैक यह सब देख खुद भी हैरान हो जाता है और अपना लैपटॉप बंद कर देता है और सोचने लगता है लैपटॉप कितना पावरफुल है, वह जो चाहे वह कर सकता है। और अब जैक ऑफिस से निकल जाता है और अपने लैपटॉप को लेकर सड़क पर पैदल आगे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे वह जाता है, वह डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। अब थोड़ा आगे जाने पर उसके सामने एक कार आती है। जैक अपना हाथ देकर उसको रुकवाता है। अब जैक उस ड्राइवर से कहता है कि जल्द से जल्द वह इस शहर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि आज मेन रोड बंद है, जिस वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लेकिन जैक तब भी उसे रिक्वेस्ट करता है, उसे जितने भी पैसे चाहिए वह देगा। लेकिन ड्राइवर उसे पागल समझकर वहां से चला जाता है, और जैसे ही ड्राइवर आगे जाता है, जैक अपने लैपटॉप को खोलने लगता है, लेकिन इतने में ही वह उसके नजरों से दूर हो जाता है। तभी वह लैपटॉप को बंद कर पैदल आगे चलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर बनी एक बिल्डिंग की दीवार पर एक बड़ा सा माउस का एरो दिखता है, जिसे देखकर जैक काफी ज्यादा डर जाता है, और तभी वह चारों तरफ देखने लगता है। जैसे ही वह अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, वह एरो उसके और नजदीक आ जाता है। जैक यह देखकर और भी ज्यादा डर के मारे घबरा जाता है, और तभी वह एरो धीरे धीरे जैक के ऊपर आ जाता है, मतलब कि जैक को वह पूरी तरह से ढक लेता है। अब जैक जैसे ही ऊपर आसमान की तरफ देखता है, वह एरो उस पर क्लिक कर देता है, जिससे यह कुचला जाता है। वहां चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। अब इससे हमें यह पता चलता है कि ऐसा ही किसी के पास और जादुई लैपटॉप है, जिसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।